हेलो फ्रेंड्स, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सिरका प्याज, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसे आप लंच या डिनर में एज ए साइड डिश सर्व करें, सच में खाने का स्वाद दुगना कर देगा ये सिरका प्याज। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सिरका प्याज बनाने के लिए यहाँ मैंने 15-16 बेबी ओनियंस लिए हैं, जो कि 250 ग्राम के करीब हैं। इन्हें मैंने धोकर सुखाकर इनका छिलका हटा दिया था, अब ये एकदम क्लीन हो गए हैं। अब इन प्याज में हमें ऊपर से कट लगाना है। देखिए इस तरह से इन्हें हम कट करेंगे। इन्हें हमें पूरा नहीं कट करना है। ये देखिए मैंने आधा प्याज को कट किया है। अगर आपके प्याज बड़े हैं तो आप इन्हें हाफ पीसेज में या 1/4 पीसेज में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से कट लगाने से क्या होगा कि सिरका प्याज के अंदर तक जाएगा। ये देखिए नीचे से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस तरह से बाकी के प्याज में भी कट लगाएंगे। ये सारे प्याज तैयार हैं। गैस की फ्लेम पर एक पैन रखें और 3/4 कप पानी इसमें डालें। 1 चम्मच चीनी इसमें डालें और 1 चम्मच या स्वादानुसार नमक भी इसमें डालें। ये 7-8 काली मिर्च के दाने डालें और ये 2 लौंग इसमें डालेंगे। इसको चला दें जिससे कि चीनी और नमक इसमें मिक्स हो जाए। पानी में उबाल आ गया है। अब एक ये छोटा बीटरूट जिसका छिलका हटाकर हमने इसे लेंथ वाइज काट लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे। 1 मिनट तक इसे बॉईल करें जिससे कि चुकंदर का अच्छा सा कलर पानी में आ जाए। ये देखिए चुकंदर ने अपना कलर छोड़ दिया है और पानी का कलर कितना सुंदर लग रहा है। 1 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करें और इस पानी को ठंडा होने के लिए रखें। ओनियन को मैंने एक बाउल में डाल लिया है और ये बीटरूट वाला पानी भी ठंडा हो गया है। अब ये पानी इसमें डालेंगे, इसको छानते हुए डालेंगे। साथ ही इसमें 3/4 कप सिरका डालें, जितना हमने पानी लिया था उतना ही हमें सिरका लेना है। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सिरका प्याज तैयार है। अब इसे एक ढक्कन वाले जार में शिफ्ट करेंगे। अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 दिन या 24 घंटे का रेस्ट देंगे, तब ये तैयार हो जाता है। ये सिरके वाली प्याज एकदम तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर कलर इसका आया है। इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ। चुकंदर का कलर अंदर तक प्याज में पहुँच गया है। इसे आप 8-10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसे फ्रिज में जरूर रखें। आप भी इसे जरूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।